हमारे साथ हैं अभी सुखदेव थोराट सर। सुखदेव थोराट सर जाना पहचाना नाम है एजुकेशन की दुनिया में, उन्होंने काफ़ी काम किया है, यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, पदम श्री हैं सर। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने करीब से देखा है। अभी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उस पर तमाम बातें हो रही हैं, उनके एक्सपीरियंस पर बातें हो रही हैं। सर भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं सर, इस तरह के कार्यक्रम की कितनी ज़रूरत है? नो, इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत तो है कि इसमें जो इश्यूज़ है हायर एजुकेशन से ताल्लुकात, तो उसका वो सामने आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। और ये जो वर्कशॉप है इसमें एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने जो एक स्टडी की है इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी, उसके बारे में है और उसके उसमें चर्चा हो रही है। इसका मेन फोकस ये है इस रिपोर्ट का कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है अमेरिका में भी काफ़ी पहले सिर्फ वाइट मेल हायर एजुकेशन में जाता था, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्सिफाइड होने लगी, महिला भी आने लगी, गोरी महिला है, देन ब्लैक मेल, ब्लैक फीमेल्स, लैटिनो, देन एशियन ओरिजिन के लोग आने लगे। तो हायर एजुकेशन में अब एक्सेस लार्जर सोशल ग्रुप को, इकोनॉमिक ग्रुप को मिलने लगा, तो डाइवर्सिफाइड हो गई स्टूडेंट पॉपुलेशन। अच्छा, डाइवर्सिटी का एक एडवांटेज है कि सारे डिफरेंट तरीके के लोग इकट्ठा आते हैं, लेकिन उसका दूसरा डिसएडवांटेज देखने को मिला अमेरिका में वो ये था कि हर एक की अपनी आइडेंटिटी होने की वजह से वहाँ एक एक्सक्लूजनरी टेंडेंसीज आ गई। पीयर ग्रुप अपने अपने धर्म के ऊपर, अपने कलर के ऊपर, अपनी एथनिसिटी के ऊपर, अपनी नेशनलिटी के ऊपर बनने लगे, जो कि पर्पज एजुकेशन का नहीं है। एजुकेशन स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ही है। तो ये अमेरिका ने, और डिस्क्रिमिनेशन भी वहाँ फिर देखने को मिला बिटवीन द स्टूडेंट, बिटवीन स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तीन तरह का। तो अमेरिका ने इमिजिएटली इसको रिकॉग्नाइज किया और एक कमेटी बिठाई 1995 में कि हाउ टू डील विद द डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कैंपस। 2000 में उसकी रिपोर्ट आई और उन्होंने एक नीति बनाई कि हम हर एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चलाएंगे, जिसको उन्होंने कहा सिविक लर्निंग एंड डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। उसका सिंपल सा अर्थ ये है कि स्टूडेंट को उस कोर्स के जरिए ये हम करेंगे कि हमारे देश में, अमेरिका में जो इनइक्वालिटी है, पावर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, प्लूरलिटी है, उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो डिफरेंसेस है प्लूरलिज्म में, उसके बारे में उनको उसको टॉलरेट करे, उसको समझे, जितने हम अच्छे उतने वो भी है, ये जो डिफरेंसेस को डील करने के लिए लोगों को ज्ञान दे दे स्टूडेंट को, और उसमें स्किल भी बढ़ावे कि वो डील कर सके, है ना। तो कोर्सेज बनाए जिसमें से नॉलेज दिया सेंसिटिवाइज करने के लिए प्रॉब्लम के अराउंड, और बाद में पेडागॉजी टीचिंग की मेथड भी उसी तरह बनाई। वहाँ टीचिंग की मेथड उन्होंने बनाए कि डिफरेंट रिलीजियस और इसके जो लड़के हैं वो आते और अपनी कहानी बताते हैं। तो ये जो है, ये इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाने के लिए ये स्कीम चली है। वो इंडियन सोसाइटी में, इंडियन हायर एजुकेशन में कैसे उसका इस्तेमाल करे, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रोजेक्ट का उद्दिष्ट है। पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी, तो इंडिया में भी अब स्टूडेंट जो है, पहले तो अर्बन एरिया से ब्राह्मीण लड़का एजुकेशन लेता था, अब ब्राह्मीण लड़की भी आ गई, दलित भी आ गया, ट्राइबल भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, शहर का था अब गाँव का भी आ गया, गरीब भी आ गया। अब ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप कैंपस पे है, उसके अपने प्रॉब्लम है, जो अमेरिका में हुए वो यहाँ है। सर, आप लोग वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के जो कैंपसेस के हालात हैं, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यहाँ के कैंपसेस के जो हालात हैं, कितना डिफरेंस है? नहीं, इस इशू पे तो डिफरेंस सर का ही है। डाइवर्सिटी वहाँ पर भी है, डाइवर्सिटी यहाँ पर भी है। अब हमारे हायर एजुकेशन में गरीब लड़का भी पढ़ता है, अमीर भी पढ़ता है, महिला भी पढ़ती है, लड़कियाँ पढ़ती, लड़के पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, तो और रीजनल लैंग्वेज से आया हुआ, इंग्लिश मीडियम से आया हुआ, ये डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑन कैंपस पे है। उसकी वजह से एक अच्छाई तो है कि सबको एक्सेस मिल रहा है, लेकिन उसका एक आस्पेक्ट है कि डिफरेंसेस आ रहे हैं जाति के आधार पर। स्टूडेंट इकट्ठा बैठते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कभी कभी मेस अलग है,
चाहिए। और किस राज्य में तो भैया ये हालत है कि हॉस्टल अलग है, आप इसमें चले जाइए, बिहार में यादव का अलग है, शेड्यूल कास्ट का अलग है, राजस्थान में जाट का अलग है। तो इतना यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का डिवीजन हो तो वो एजुकेशन क्या है, किस तरह का स्टूडेंट वो क्रिएट कर रहा है? रुक जाइए जरा एक मिनट, पूरी बात करने दीजिए मुझे। तो किस तरह का स्टूडेंट वो क्रिएट कर रहा है? वो जो गांव में उसकी जो संवेदना है जातिवादी, वही संवेदना लेके वो हायर एजुकेशन से बाहर आ रहा है। तो इसलिए जो अमेरिका ने किया कि उसको सिटीज़न बनाए, उसको सिटीजनशिप एजुकेशन दे दे, इसलिए वो कोर्स शुरू किया ताकि वो अच्छा नागरिक बन के बाहर निकले। ये इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है। पूछिए अब क्या सवाल पूछना है। सर, ये जो पिछले दो दशक में जो जितनी तेज़ी से जो गांव से लड़के यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे हैं और जो ग्रुप्स बनने लगे हैं उसके बाद से, तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना ये ख़तरनाक है? और जो यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं या फिर जो भी कमेटी है जो इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है अभी? नहीं, चुनौती तो यही जो मैंने आपको बताया, डाइवर्सिटी की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं कैंपस पे, उसको डील करना चाहिए। तो अमेरिका ने एक तरीका निकाला कि कोर्सेज शुरू किए, स्टूडेंट को सेंसिटिवाइज किया और कहा कि भाई इसको डील करना पड़ेगा, उनको अच्छे विचार देने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, ये उन्होंने किया है। इसके अलावा हमने भी शुरू किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस है, वहाँ उनके प्रॉब्लम डील होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को अच्छा सिटीज़न बनने के लिए उसको एजुकेशन देना ज़रूरी है कि वो समझे कि हमारी सोसाइटी की इनइक्वालिटी, पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन इशू है, उसके बारे में अवगत हो, वो अप्रिशिएट करना लगे और वो उसको डील करे। उस तरह का एजुकेशन यदि देता है तो वो लड़का जब बाहर आएगा इंस्टीट्यूशन के बाहर, तो एक अच्छा सिटीज़न बनेगा। वो ये नहीं बनेगा कि एक प्रिजुडिसेस लेके नहीं बनेगा। यह है इसका पर्पज। जी सर, पहले जब आप लोग स्टूडेंट थे उस दौर में क्या चीज़ें इतनी बटी हुई थी जितनी आज बटी हुई हैं? अगर उस समय नहीं थी, आज इतनी ज़्यादा बटी हुई दिख रही हैं, तो फिर उसका क्या कारण समझ रहे? सवाल, ये कोई स्टडी नहीं है इस पर। अच्छा। ये शुरुआत है, ये पहली स्टडी है, मैं बताता हूँ। न्यूपा ने एक स्टडी की हुई है, न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस से हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन इससे जाहिर ये होता है कि मेरा ख्याल है ये समस्या पहले भी रही है, अभी जो बाहर आ रही है। वो सुकुमार एक स्टडी कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं, न्यूपा में है, इनकी कुछ स्टडी आई। तो अब ये सारे प्रॉब्लम बाहर आ रहा है कि दलित स्टूडेंट, पर्टिकुलरली महिलाएं, आदिवासी, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसको डील करना चाहिए। डील तो कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस है, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, कभी कभी पनिशमेंट भी होती है, लेकिन वो तरीका अलग है। यहाँ स्टूडेंट को एजुकेट करना और खुद अपने आप वो बदले, ये उसके पीछे है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ थे सुखदेव थोराज सर, जिन्होंने तमाम जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम में जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बात की, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं उसके बारे में बात की। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।